ये देखो, ये हाफ फोल्ड किया जा रहा है और ये वाला है गार्लिक। ओ ओहो, पीछे डोसा बन रहे हैं। वाह भाई वाह, ये देखो उसके नीचे भी घी चला जाए और एकदम परफेक्ट। ये देखो, ओहो ओह भाई साहब, और उसके बाद इसको पानी से पहले धोया जाएगा। ओहो, मन नहीं कह रहा, मन कर रहा है तवे के ऊपर ही बैठ जाऊं। क्या बात है भाई साहब, इसी घी, ये देखो भाई, ओहो हो, क्या बात है। नीचे जो डोसा है ना वो क्रिस्पी हो चुका है भाई। चेयर्स चेयर्स। ये तो भाई, ये रही मेरी हेयर कैप, और मैं एक्चुअली मैं आपको लेके जा रहा हूँ एक ऐसी जगह पे, मैं तो बता ही दिया कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन कोई भी बंदा किचन में नहीं जाता। मैं आपको आज दिखाता हूँ किचन के अंदर की डोसा बनते कैसे। आ जाओ, तो ये देखो भाई साहब, ये इडली मेकिंग प्रोसेस दिखा रहा हूँ मैं अभी। ये भी ये खाली है ना, अभी इसको फिल करेंगे, पर बाकी सबके अंदर फिल्ड है। तो अब दिखाते हैं आपको मैं कि इसमें स्टीम इडली कैसे करते हैं। सारी हाईटेक मशीन से आप देख सकते हो, नीट एंड क्लीन एकदम परफेक्टली। तो ये है जी इडली का बैटर, अब इसको पूरा फिल किया जाएगा। ये इसे कहते हैं ताटा इडली। ये देखो, ये साइज़ में बड़ा होता है, एकदम सॉफ्ट होगा, एकदम मज़ेदार, और जब इसे बाइट करोगे ना मज़ा आ जाएगा आपको सीरियसली। मतलब मैं कह रहा हूँ कि ना पूरे हैदराबाद के अंदर ये एक ऐसा ब्रांड है, एवरीबडी नोज। पूरा मैं कह रहा हूँ कि पूरे वर्ल्ड में जानते हैं कि रामेश्वरम कैफ़े का जो साउथ इंडियन है वो कितना पॉपुलर है, कितना फेमस है, कितना बढ़िया है। आप देख सकते हो, एक साथ कम से कम आप इसमें 6 या 7 से भी ज़्यादा ट्रे लगा सकते हो। अब ये गया पूरा अंदर, और ये 5 मिनट 6 मिनट, कितना मिनट ले गए, 15 मिनट, 15 मिनट के अंदर ये तैयार हो जाएगा। अब ये देखो भाई, ओहो, पीछे डोसा बन रहे हैं। वाह भाई वाह, ये देखो एकदम बढ़िया तरीके का ताटे इडली तैयार हो चुका है। ये जब आप ऑर्डर करोगे यहाँ पे कैसे सर्व होगा अब आपको बता रहा हूँ मैं। ये देखो एकदम लाइट, एकदम लाइट, जब ये उठाते हैं ना तभी पता चल जाता है एकदम कितना लाइट है। ये आ गया इनका गन पाउडर, ने घी पौड़ी मसाला ये, और इसके ऊपर आएगा भाई देसी घी। ये देखो भाई, ओहो हो, क्या बात है। भला देख रहे हो ना भाई, एकदम बढ़िया क्वालिटी का, मज़ेदार टेस्टिंग में लूँगा एंड में, लेकिन आप पूरा वीडियो देखो क्योंकि अभी तो जा रहे हैं हम डोसे वोसे बनाने के लिए। यहाँ पे अप्पे, इसको यहाँ पे घी पड्डू भी कहते हैं। अब आप देखो कि कैसे बनता है, और ये प्योर देसी घी के अंदर बनाया जा रहा है, ये रिफाइंड यूज़ नहीं करते है ना, प्योर देसी घी है। मज़ेदार, ये भाई साहब सुबह ब्रेकफास्ट में खुल जाता है आराम से, और आप इसको यूज़ करते हो। टाइमिंग्स क्या होते हैं सर इसके? 6 इन द मॉर्निंग। और कब तक रहेगा ये? 6 to 12। ओके, सुबह 6 बजे खुल जाएगा और रात के 12 बजे तक आपको सर्व करेगा। स्विगी जोमेटो पर भी है, राइट? ग्रेट। और ये हैदराबाद में द ओनली वन, एक ही ब्रांच है इनका, अदरवाइज बेंगलोर में इनके 4 ब्रांचेज हैं। बहुत बढ़िया, आप देख सकते हो भाई, एकदम घी जो एकदम सिजल कर रहा है, एकदम बढ़िया वाला, परफेक्ट, उसी टाइम एकदम फ्रेश बनता है। जैसे ऑर्डर आएगा ना तभी बनेगा, और बना के रख नहीं देते। ये खास बात है, इसीलिए लोगों को ज़्यादा पसंद है रामेश्वरम कैफ़े, इसीलिए खास बात है क्योंकि एकदम फ्रेश बनाते हैं। हाथ में ग्लव्स पहन रखा है, हेयर कैप पहन रखा है, नीट एंड क्लीन हाइजीन किचन। मैं कह रहा हूँ आप कैमरा मनी कहीं भी घुमा के दिखा दे, कहीं पर भी आपको गंद नज़र नहीं आएगा, जो एकदम गंदा हो कहीं नज़र नहीं आएगा। उसके नीचे भी घी चला जाए और एकदम परफेक्ट। ये देखो, ओए ओए भाई साहब, क्या बात है। कोई नहीं, ये इसको मैं ट्राई करूँगा टेस्ट, और फिर आपको मैं काउंटर में आराम से जब टेस्टिंग में लगाऊंगा ना तब आपको प्राइस ही बताऊंगा कि प्राइस क्या है। तो ये देखो भाई, सबसे पहले इसके ऊपर घी लगाया जा रहा है, और उसके बाद इसको पानी से पहले धोया जाएगा। ओहो, क्या बात है, इसको पहले अच्छे से क्लीन किया जाता है, देसी घी पहले लगाया और उसके बाद इसको अच्छे से पानी से वॉश कर दिया, और उसके बाद इसके ऊपर घी बनाया जाएगा। अब मतलब कि डोसा बनाया जाएगा। अब मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे जो द मोस्ट फेमस 4 डोसा फ्लेवर उनसे है ना, वो इस तवे पे बनने वाले हैं। ये देखो भाई साहब, अब ये डोसा लगने स्टार्ट हो चुके हैं, अब आप देखो। और ये सारे फेमस जो डोसे यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा हाई डिमांड रहती है ना, वो मैं 4 फ्लेवर्स बनवा रहा हूँ। और इसके बाद दूसरा तवा है इनका जहाँ पे आपका रवा डोसा बनेगा, मतलब कि जो डोसाज है ना
वो सब अलग अलग कैटेगरी के हैं, तो अलग अलग इनके पास तवा भी है, पूरा सेटअप लगा रखा, बड़ा सा सेटअप। आप देखो साइज़ देखो, एकदम सेम, एकदम बढ़िया साइज़ है और इक्वल साइज़। बताओ हाथ से बना रहे हैं पर फिर भी साइज़ एकदम बढ़िया, कोई भी अनइवन नहीं है, परफेक्ट। और भाई साहब प्योर देसी घी के अंदर बनाया जाएगा, और एक्चुअली मैं देसी घी तो ऐसे यूज़ होता है जैसे कि कोई बंदा पानी यूज़ कर रहा हो, मज़ा आने वाला सीरियसली। अगर आपको घी पसंद है ना, देन आई थिंक यू शुड ट्राई दिस वन। अगर आप हैदराबाद में हो और आपको बढ़िया सा साउथ इंडियन खाना है तो रामेश्वरम कैफ़े आ जाओ। अगर आप दिल्ली से आ रहे हो हैदराबाद और अगर आपको रामेश्वरम कैफ़े खाना है तो भी आ जाओ आप फटाफट यहाँ पे और इसको ट्राई करो। ये देखो भाई, अब लगाया जा रहा सबसे पहले बटर इसके ऊपर, बढ़िया सा, ग्रेट, बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया है मन्नी। मतलब भैया साउथ इंडियन खाना हो ना, सच में कह रहा हूँ, रामेश्वरम कैफ़े आ जाओ और ट्राई करो। हम पीछे बेंगलोर गए थे बट ट्राई नहीं कर पाए, हैदराबाद आए तो भाई पता चला कि रामेश्वरम कैफ़े यहाँ पर भी है। सिर्फ एक ही ब्रांच है, सिर्फ एक ही ब्रांच है और आपको मिलेगा यहीं पर ही। ये कौन सा ब्रांच पड़ता है? ये माधवपुर। माधवपुर, हाँ माधवपुर आना है आपको हैदराबाद, उसको ट्राई करना है। सुबह 6 बजे ओपन हो जाता है, 3 बजे, 3 बजे सुबह 3 बजे ओपन हो जाएगा और रात के 12 बजे तक रहेगा, रात के 2 बजे तक रहेगा। बाप रे बाप, अब देसी घी देखना कैसा डलेगा। ये देखो वाह भाई वाह, देसी घी का आप कलर देख रहे हो, एकदम येलोइश है, और येलोइश जो सा देसी घी होता है ना वो बहुत अच्छा होता है, एकदम प्योर देसी घी माना जाता है। उनको गलती तो नहीं लगी देसी घी और पानी में? मुझे भी वो लग रहा है, ऐसा तो नहीं आपको देसी घी और पानी में फ़र्क नहीं पता? देसी घी हेल्दी होता है और एवरीबडी नोज। शिल्पा शेट्टी के एक इंटरव्यू में आया था कि वो अपने दिन की शुरुआत 1.5 चम्मच देसी घी खा के करती है। नीचे जो डोसा है ना वो क्रिस्पी हो चुका है, ये देखो वाह। ये अलग अलग फ्लेवर्स के बनवा रहा हूँ मैं ताकि टेस्ट करके बता सकूँ आपको कि टेस्ट कौन सा बढ़िया सबसे ज़्यादा। ये आ गया गार्लिक वाला, ये देखो वाह भाई वाह। भाई सीरियसली अब तो मेरा फेवरेट ब्रांड हो चुका है, क्योंकि पता क्या है, टेस्टिंग जो मैं कहता हूँ ना कि खाना, पहले जो खाना है ना वो आँखों से खाया जाता है और उसके बाद हाथ से तोड़ के पेट में डाला जाता है चूल्हे में, कि क्या बढ़िया टेस्ट होने वाला है। अब ये आएगा भाई आलू। अच्छा आलू सब में आएगा राइट? हाँ आलू सब में आएगा, देखो बहुत बढ़िया, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू हैव साउथ इंडियन इन हैदराबाद ऑल्सो। बेंगलोर में तो है ही है बट हैदराबाद के अंदर भी आगे ना इन्होंने बस किंग बन चुके हैं यहाँ के। मन नहीं कह रहा, मन कर रहा है तवे के ऊपर ही बैठ जाऊँ। अच्छे से पूरा रिलीज किया जा रहा है क्योंकि अब ये पक चुका है और बस ये सिर्फ एक हाफ फोल्ड होगा और ये डन है। अच्छा ये सांभर वंभर नहीं देता ना, देते हो यहाँ पे सांभर चटनी? 3 चटनी है। अच्छा मैंने कई जगह देखा है लोग सांभर नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ चटनी क्या देते हैं। ये आ गया पोड़ी मसाला, जी हाँ, इसे गन पाउडर भी कहते हैं, यह गन पाउडर अलग होता है, अब वो अलग होता है ना। स्टार्ट हो गए हैं, अब देखो नीचे से जो है, नीचे से एकदम गोल्डन हो चुका, गोल्डन कलर का, गोल्डन एंड सुपर क्रिस्पी, सुपर क्रिस्पी। ये देखो ये हाफ फोल्ड किया जा रहा है, हर एक डोसे का फोल्ड करने का स्टाइल अलग है, वही पहचान होती है इनकी, परफेक्ट दाना भाई। अब ये देखो इसको ज़्यादा फोल्ड किया जा रहा है, मतलब हर एक डोसे को ना अलग से एक पहचान दी हुई है कि उसको कैसे फोल्ड करना है। ये है इनका गर्मा गर्म सांभर एकदम बढ़िया वाला। काउंटर देख ले कितना क्लीन है, बढ़िया क्लीन काउंटर। और ये देख चटनियाँ देख ले, चटनियाँ, ये है ग्रीन वाली चटनी बढ़िया सी, ये देख ये ग्रीन चटनी आ गई, ये कौन सी, टोमेटो पीनट, हिला के दिखाना चम्मच के साथ, आया नहीं, ये टोमेटो है ना, और वो नारियल वाला कहाँ है, नारियल वाला, अच्छा इसी में मिक्स किया हुआ है, ओह बढ़िया। रामेश्वरम कैफे अगर आप आ रहे हो ना तो भाई कॉफ़ी ज़रूर पीना, इनका फिल्टर कॉफ़ी आप देखो कैसे बन रहा है। देखो भाई साहब एकदम पूरा, ये सबसे पहले ब्लैक कॉफ़ी डाला जा रहा है, बढ़िया सा, ये किसी का चार ऑर्डर आया है तो उसके लिए जा रहा है, अब मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे बन रहा है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो है दूध डालेंगे, ये देखो ओह क्या बात है, ये देख एकदम गाढ़ा दूध होता है एकदम बढ़िया वाला। ये भैया कौन सा होता है, ये फुल क्रीम होता है, फुल क्रीम वाला दूध होता है ये, वाह। अब इसका पहले थोड़ा सा ना फ्रॉथ बनाया जा रहा है, ये देख वाह क्या बात है भाई साहब। अगर कोई बंदा कॉफ़ी का शौकीन है ना, फिल्टर कॉफ़ी का शौकीन है, उसको टैग करो और फटाफट उसको बोलो रामेश्वरम कैफ़े आए, क्योंकि अब रामेश्वरम कैफ़े हैदराबाद में भी खुल चुका है, जी हाँ माधवपुर हैदराबाद आ जाओ
और इसको ट्राई करने के लिए। तो भाई अब बारी आ गई है डोसा टेस्ट करने की। सबसे पहले भाई ये देख, आजा बनी आजा, ये देख ये है भाई घी पोड़ी डोसा, एकदम बढ़िया वाला मज़ेदार। ये है बटर डोसा, ये पुदीना वाला है, और ये वाला है गार्लिक। ओ रीटा दरबा स्पाइसी वाला है बढ़िया वाला है। ये बटर मसाला है, ये देखो भाई इसके अंदर ओनली बटर एंड मसाला। तो ट्राई करते हैं भाई सारे और बताते हैं आपको टेस्ट करके। ओ ये देख रहे हो एकदम सूख चुका है बढ़िया सा, क्योंकि हमारे शूट के चक्कर में हम सुखा भी देते हैं खाना। बट इसको ट्राई करते हैं चटनी इसके साथ बढ़िया सा, और एक साथ बाइट लेंगे। चलो भाई चेयर्स चेयर्स। ये सुपर गुड भाई, मानना पड़ेगा डोसा। देखो यहाँ का ना डोसा जो ऑथेंटिक डोसा होता है, थोड़ा सा ठीक होता है, सेंटर से पतला होगा, बाहर थोड़ा ठीक होगा, घी से बोरा अच्छे से आपने देखा है घी कैसे यूज़ किया है, चटनी इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया है, और एकदम नीट एंड क्लीन हाइजीन तरीके से बनाया। मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको साउथ इंडियन पसंद है ना, आप एक बार ट्राई मारो ये ब्रांड रामेश्वरम ब्रांड, और उसके बाद गारंटी देता हूँ आप बार बार आओगे। सुबह के 6 बजे स्टार्ट हो, नहीं कितने बजे, सुबह 3 बजे स्टार्ट हो जाता है और रात के 2 बजे तक रहेगा। 1 घंटे के लिए छुट्टी बस, हाँ क्लीनिंग के लिए 1 घंटा रखते हैं, सिर्फ क्लीनिंग के लिए। बताओ भाई मतलब 24 आवर्स समझ लो इसको आप। कैसा? अमेजिंग, वेरी नाइस, द पुदीना वन इज रियली वेरी गुड, यू शुड। ये रहा भाई पुदीना फ्लेवर्ड वाला, चीज़ एकदम बढ़िया है। खाना हम खा चुके हैं एकदम बढ़िया तरीके से। ये एक लास्ट बाइट मैं ले रहा हूँ घी पड्डू की, जो आपके सामने एकदम बनाया है, टोमेटो चटनी के साथ थोड़ा सा लेते हैं, तीनों चटनी लगाते हैं, इन्जॉय करते हैं। एकदम ज़बरदस्त, और देसी घी का फ्लेवर एकदम मज़ेदार। तो एक काम करते हैं भाई, हम ये सब चीज़ें इन्जॉय करते हैं, और अगर आपको भी साउथ इंडियन खाना है और रामेश्वरम कैफ़े आपका फेवरेट है जब आप बेंगलोर जाते हो और हैदराबाद से हो, तो बता दूँ हैदराबाद में ये इनकी पहली ब्रांच है और खुल चुकी है। फटाफट आ जाओ माधवपुर और इसको ट्राई करो।